कमिंग बैक टू आर मेन टॉपिक डॉक्टर काशिफ, PSL का सीजन 5 फाइनली पाकिस्तान के सारे स्टेडियम्स जो हैं वो बुक्ड हैं, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर और कराची, पिंडी जिधर पहले मैचेस नहीं हुए थे वहां पे मैचेस हो रहे हैं अब, एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, बट व्हाट्स योर टेक इसके ऊपर के सारे स्टेडियम जो हैं सजे हैं एक बार फिर, काफ़ी जगहों पे हमने देखा है कि जिधर बहुत अरसे से मैचेस नहीं होते वहाँ पे हुए हैं, जो प्लेयर्स पहले वहाँ नहीं गए थे वो जो नई जनरेशन है बेसिकली जिन्होंने मैचेस देखे ही नहीं है स्टेडियम पे वो लोग भी जाके मैचेस देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तब्दीली है टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ पाकिस्तान का आना, 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी, 22 करोड़ आवाम के दिलों की उम्मीदें पूरी होना, ये पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर है और इसका जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है, लेकिन स्टेडियम उस तरह नहीं भर रहे जिस तरह भरने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से लोगों को काफी मुश्किल हो रही है कि 2-2 किलोमीटर चल के लोगों को जो वो पड़ता तो है। अपनी जगह है लेकिन लिक्विड कैश नहीं है। ठीक है जी, अभी परसों की खबर है कि जनाब सर विवियन रिचर्ड और इयान चैपल और फला फला इमरान खान से मिलने गए, मुझसे ये पूछा गया फौरन कि आप कर्टली एम्ब्रोस को लेके गए थे, आप साइमन टफल जैसी बड़ी फिगर को जो 2009 के इंदोहनाक वाकये में मुलविस थे आप उनको लेके गए, आप बैरी विल्किंसन को अपने खर्चे पे लेके गए, आप माइकल होल्डिंग को लेके गए, आप इमरान खान के पास क्यों नहीं गए, इमरान खान से आपने इनको क्यों नहीं मिलवाया? तो मैंने बड़े प्यार से उनको जवाब दिया कि एक तो मेरा कोई कज़न नहीं है PCB में जो मुझे इमरान खान तक पहुँचाए, अगर कोई कज़न होता जो हर दौर में PCB की रौनक रहता और PCB के मुफ्ते तोड़ता रहता तो शायद मैं भी इमरान खान के पास चला जाता। और दूसरी वजह यह है कि इमरान खान साहब पहली बात यह कि इमरान खान मेरा लीडर है, इमरान खान सिर्फ मेरा लीडर नहीं है 22 करोड़ अवाम का लीडर है, 22 करोड़ अवाम का लीडर नहीं है 6 अरब मुसलमानों का लीडर है, इमरान खान से ज़्यादा नेक और ईमानदार शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायद आज़म के बाद अगर कोई आया है तो इमरान खान है, लेकिन जितनी ईमानदार और जितना इंसान दोस्त और जितना शरीफ और नेक इंसान इमरान खान है उतने ही बड़े बड़े उसने अपने इर्द गिर्द जमा करके रखे हुए, जिसकी वजह से इमरान खान का नाम ख़राब हो रहा है और इमरान खान आइंदा 3 सालों के बाद शायद माजी का हिस्सा बन गया। बिल्कुल, तो मुझे कोई शौक नहीं है इमरान खान से हाथ मिलाने का, क्योंकि अगर तो कोई 20 महीने में कोई एक ऐसा काम, ये जवाब मैंने उनको दिया कि इन 20 महीनों में कोई ऐसा काम इमरान खान ने किया होता, एक स्कूल बना दिया होता, एक अस्पताल बना दिया होता, एक ट्रेन सिस्टम बना दिया होता, तो कर रहे हैं। अरे छोड़ो ना यार, खैरात के पैसे पे रन कर रहे हैं, हमारे और तुम्हारे पैसे पे रन कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? 20 महीने में उस आदमी ने नारे लगाने के अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि जब वो करने जाता है उसके इर्द गिर्द जितने सूरमा बैठे हुए हैं जो पिछली तमाम हुकूमतों के हिस्सा रहे हैं वो इमरान की टांग खींच के उसको वापस उसी बिस्तर के ऊपर लिटा देते हैं जहां से वो उठा था। और मेरे शहजादे, मुझे कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है कोई एक काम। तो उन्होंने कहा भाई आप क्यों नहीं मिले, आप माइकल होल्डिंग को लेके गए, आपने इमरान खान से क्यों नहीं मुलाकात की, आप सर कर्टली एम्ब्रोस ने तो नाम लिया कि मैं इमरान खान को टीवी पे बैठ के मैं क्लीन बोल्ड कर दूंगा, इमरान खान ने उसको पता है कि कर्टली एम्ब्रोस आए हुए हैं।